भाग्यनगर, सर्जिकल स्ट्राइक, नवाब कल्चर, इस तरह के जुमले जो इस्तेमाल किए बीजेपी के लोगों ने, इन्ना भी कहा गया, तो मैं इसकी सख्त तरीन मजम्मत करता हूँ। बीजेपी ने दल बल छल और अपनी पूरी मरकजी लीडरशिप को वहाँ पर उतार दिया। मैं कहता हूँ कि हैदराबाद के लोग सोचें जरा सा, नफरत के इन सौदागरों को अगर हैदराबाद में जगह दी, नफरत के सौदागरों ने जहाँ जहाँ कदम रखा, अगर बहुत ही खींच मार खाए बीजेपी के लोग, तो बीजेपी शासित जो प्रदेश है वहाँ के मिनिस्ट्री, वहाँ की मिनिस्ट्री का क्या हाल है? बुरा हाल है। बिहार में देख लिया तमाशा आप, बिहार में सैलाब नदियों में खाली रहता है और पटने अंदर के अंदर में सैलाब रहता है, शहर के अंदर में गलियों सड़कों पर कश्ती चलाने की नौबत आ रही हो रही है ना, गला गला भर पानी में लोग डूबे हुए रहते हैं, तो इनका हाल तो बुरा है। अभी लोग कह रहे थे कि साहब हम भाग्यनगर बना देंगे और हम यहाँ का मेयर बनाएंगे, ये ख्वाब तो चकनाचूर हुए, ये पागलों दीवानों का ख्वाब है, इनको तो इस बात में हया और गैरत भी नहीं रहती है कि जो बात हम बोल रहे हैं वो बात सच भी होगी क्या? देखिए, सवाल ये पैदा होता है, सबसे पहले तो मैं हैदराबाद में मजलिस के तमाम तर कारकुनों को, तमाम तर उन आवाम को जिन लोगों ने मजलिस की हमायत की, वोट दिया, उनके लिए दुआएँ की, उन तमाम तर लोगों को मुबारकबाद देते हैं कि मजलिस के कारकुनों को जिताकर उन्होंने फिर से एक बार खिदमत का मौका दिया है और मजलिस पर एतमाद का इजहार किया है। मैं हैदराबाद के MIM के तमाम तर हमदर्दों को यह भी पैगाम देना चाहता हूँ कि आपने सिर्फ वोट देकर वहाँ MIM को मजबूत नहीं किया है, बल्कि मुल्क भर में कमज़ोर तबकात की आवाज़ को एक ताकत पहुँचाने का काम किया है। दूसरी तरफ भाग्यनगर, सर्जिकल स्ट्राइक, नवाब कल्चर, इस तरह के जुमले जो इस्तेमाल किए बीजेपी के लोगों ने, जिन्ना भी कहा गया, तो मैं इसकी सख्त तरीन मजम्मत करता हूँ। और के गर्चे बीजेपी को कुछ सीटें मिल गई हैं, मैं समझता हूँ कि ये धोखा और फरेब का वोट है, कुछ लोग आ गए हैं क्योंकि बीजेपी ने दल बल छल और अपनी पूरी मरकजी लीडरशिप को वहाँ पर उतार दिया और नतीजा ये हुआ कि उसको कुछ सीटें आ गई हैं। मैं इस पर इजहार अफसोस तो नहीं करता, बल्कि मैं कहता हूँ कि हैदराबाद के लोग सोचें जरा सा, नफरत के इन सौदागरों को अगर हैदराबाद में जगह दी, हैदराबाद आज मुल्क भर के दूसरे शहरों से हर एतबार से मुमताज है, चाहे वहाँ पर अमन व आस्ती हो, भाईचारगी का माहौल हो, IT के सेक्टर में जो तरक्की वहाँ पर हो रही है, जो हब बना हुआ है आज के दिन में, और UNDP ने उस शहर की खूबियों की रिपोर्ट पेश करी है, तो इन तमाम तर मामलों को सामने में रखकर अगर देखा जाए तो हैदराबाद बेहतरीन शहरों में उसका शुमार हो रहा है। और नफरत के सौदागरों ने जहाँ जहाँ कदम रखा, अगर बहुत ही खींच मार खाए बीजेपी के लोग, तो बीजेपी शासित जो प्रदेश है वहाँ के मिनिस्ट्री, वहाँ की मिनिस्ट्री का क्या हाल है? बुरा हाल है। बिहार में देख लिया तमाशा आप, बिहार में सैलाब नदियों में खाली रहता है और पटने अंदर के अंदर में सैलाब रहता है, शहर के अंदर में गलियों सड़कों पर कश्ती चलाने की नौबत आ रही हो रही है ना, गला गला भर पानी में लोग डूबे हुए रहते हैं, तो इनका हाल तो बुरा है। वहाँ जा करके तमाम तर बीजेपी के लोगों ने अपनी नफरत की सौदागरी और वहाँ के अमन को बर्बाद करने की एक साजिश की है, और उससे मैं समझता हूँ कि आइंदा हैदराबाद के लोग संभल जाएंगे और बेहतरीन शहर जो है वो अमन अमान का शहर उसको बनाने में कामयाब रखेंगे। मजलिस की कामयाबी से हम उम्मीद है कि मजलिस अपनी खिदमत की बुनियाद पर जीती है और आइंदा भी उनका कदम आगे बढ़ेगा और नफरत का फूल वहाँ नहीं खिलेगा। अभी लोग कह रहे थे कि साहब हम भाग्यनगर बना देंगे और हम यहाँ का मेयर बनाएंगे, ये ख्वाब तो चकनाचूर हुए, ये पागलों दीवानों का ख्वाब है, इनको तो इस बात में हया और गैरत भी नहीं रहती है कि जो बात हम बोल रहे हैं वो बात सच भी होगी क्या? जब से ये बोले सबका साथ सबका विकास, काला धन वापस लाएंगे, गरीबों के खाते में 15 लाख रुपया देंगे, लाखों लोगों करोड़ों को नौकरी देंगे, एक भी जुमला इनका सही हो? सारे जुमले फरेब की, और इलेक्शन जीतने के पास इसके पास कोई मंसूबा नहीं है कि यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर का क्या डेवलपमेंट होगा, बेरोजगारों को क्या मौका मिलेगा, शहर में क्या वसायल होंगे, इस शहर को और कैसे तरक्की याफ्ता बनाए, इनके पास कोई नजरिया नहीं है, इनके पास सिर्फ नफरत के बोल है। तो यकीनन है कि हैदराबाद में एक अच्छी फतह हमारी हुई है, हमने अपने किले को संभाल कर रखा है और आइन और मेयर भी जाहिर है कि मेरी मदद से वहां पर बनेगा, तो किंग मेकर की भूमिका में यकीनन है, किंग मेकर भी है और किंग भी हो सकते हैं, इसमें दिक्कत की क्या बात है।